हेलो गाइस, मेरा नाम है समीरन। आप सब लोगों का जायरो गेमिंग में स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 गेम लव्स गेम के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट्स इंट्रो। How heavy is that? Light work and the pace on the track on my feet and the pad like I'm taking a slap. I need a drink. तो हमारा पहले नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है ब्रदर इन आर्म्स 3। एक थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है। इसका गेम का बेस है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइमलाइन का। इस गेम का 2 पार्ट आगे भी आ चुका है जो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुका है। ये गेम आपको बहुत ही कम एमबी में हाई ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए। तो हमारे दूसरे नंबर पर आता है मॉडर्न कॉम्बैट 5 ब्लैकआउट, जो कि एक FPS ऑनलाइन शूटिंग गेम है। इस गेम का स्टोरी मोड काफ़ी अच्छा है और इस गेम का ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छा है, और ये गेम मल्टीप्लेयर मोड में भी अवेलेबल है। अगर आप मल्टीप्लेयर मोड खेलते हो तो आप इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेल के बहुत ही मज़े उठा सकते हो। इस गेम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारा तीसरे नंबर पर जो गेम है उसका नाम है गैंगस्टर वेगास। एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग गेम है, लाइक GTA जैसे ही है। इसका गेम का ग्राफिक्स बहुत ही हाई है। इसका स्टोरी मोड बहुत अच्छा है। कुछ दिन पहले ही इस गेम का अपडेट आ चुका है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप प्ले स्टोर में जाकर भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे चौथे नंबर पर जो गेम है उसका नाम है एस्पर लाइन लेजेंड। ये एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर रेसिंग गेम है। ये आपको बहुत ही हाई ग्राफिक्स प्रोवाइड करेगा। इस गेम का 2 कंट्रोल है, एक स्वाइप कंट्रोल, एक टिल कंट्रोल। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग टिल कंट्रोल से ही खेलना। तो आप एस्पॉल 8 खेलकर बोर हो चुके हो तो जरूर से जरूर इस गेम को ट्राई करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप प्ले स्टोर पे भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पांचवें नंबर पर जो गेम आता है उसका नाम है मॉडर्न कॉम्बैट 4 जीरो आवर। तो ये एक बेसिकली FPS शूटिंग गेम है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में अवेलेबल है। इसका ऑनलाइन मोड पे आप मल्टीप्लेयर खेल सकते हो अपने दोस्तों के साथ, और ऑफलाइन मोड पे आप स्टोरी मोड खेल सकते हो। ये जो गेम है, ये गेम एक काफ़ी ऑसम ग्राफिक्स के साथ आता है और इसका स्टोरी मोड भी काफ़ी ऑसम है। हमारे लिस्ट में से ये गेम ही सबसे बेस्ट है स्टोरी मोड के लिए। तो इस गेम में आप यूनाइटेड फोर्स के साथ भी खेल सकते हो और विलेन जो पेज है उसके ट्रूप्स के साथ भी खेल सकते हो, जो स्टोरी मोड के हिसाब से वॉक करता है। तो आप इस गेम को ज़रूर से ट्राई करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।